व्हाट्सएप एंड ऑनली माई यूट्यूब चैनल, ठीक है, एंड एडिटर चैनल, ठीक है। तो यहाँ से हम आपको सिखाने वाले हैं कुछ इस प्रकार का फोटो एडिटिंग। देख सकते कितना हाई क्वालिटी एचडी फोटो है, बैकग्राउंड पे लाइट इफेक्ट लाना, मैं कुछ इस प्रकार का फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। ओके, तो फुल वीडियो वॉच कीजिए, आप लोग खुद सीख जाएंगे कि एचडी हाई क्वालिटी फ़ोटो एडिट कैसे बनते हैं। ओके, तो ठीक है, तो यहाँ से मैं अपने फ़ोटो, पहले पुराने फ़ोटो को हम अपने दिखा देते हैं आप लोगों को। देख सकते हैं मेरा ओल्ड फ़ोटो कुछ इस प्रकार का है, मेरा ओल्ड फ़ोटो हाई क्वालिटी एचडी। देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड कितना थी है, और मैं कुछ इस प्रकार का फ़ोटो एडिटिंग करके दिखाने वाला हूँ आपको। ओके, तो यहाँ से मैं पहले फ़ोटो को शेयर कर लेता हूँ पहले स्नैपचैट ऐप के अंदर। ओके सॉरी, मैं आपको एक ही स्टेप में बना रहा, ओनली फॉर लाइट रूम ऐप के अंदर। ओके, तो मैं यहाँ से पहले लाइट रूम ऐप के अंदर शेयर कर लेता हूँ। ओके, तो मैं आज को अपने लाइट रूम ऐप के अंदर, ओके, देख सकते हैं मेरा कुछ इस प्रकार का फोटो लाइट रूम ऐप के अंदर कॉपी हो गया। ओके, तो मैं यहाँ से अपने फ़ोटो को पूरा स्क्रीन क्रॉप कर लेता हूँ। ओके, तो फिर यहाँ से चलेंगे हम अपने लाइट वाले पे। लाइट वाले पे जो थोड़ा एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा देना है, थोड़ा सा बढ़ा देना है, प्लस 10+ ही कर देना है। +12 रखना है। ओके, फिर कॉन्ट्रास्ट वाले को थोड़ा सा प्लस रखना है, हाइट्स वाले को माइनस कर देना है, साइडो वाले को थोड़ा प्लस कर देना है, और वर्ड्स वाले को भी थोड़ा सा प्लस कर देना है। ओके, फिर से चलेंगे ब्लैक वाले पे थोड़ा सा इसको माइनस ही कर देना है, +26 की, और वर्ड्स को +57 कर देना होगा। फिर यहाँ से चलेंगे अपने कलर वाले पे जाके मिक्स टूल पे जाके, फिर यहाँ से चलेंगे अपने ग्रीन वाले पे, फोर्थ नंबर पे जाके पूरा सिचुएशन को प्लस कर देंगे। फिर से इसको भी पूरा शो कर देंगे, यू को माइनस शो कर देंगे, लेमिनेंस को भी पूरा बढ़ा देना इतना की और। ओके, फिर चलेंगे अपने थर्ड नंबर वाले पे जाके यहाँ से सिचुएशन को पूरा प्लस कर देंगे। और यू को भी पूरा प्लस शो कर देंगे, कुछ इस प्रकार है, यू को +42 रखना है, लेमिनेंस को ऐसे ही रखना है। फिर चलेंगे ऑरेंज वाले पे जाके सेकंड नंबर पे थोड़ा सा अपने मुंह का बढ़ा लेंगे, और कुछ फिर चलेंगे रेड वाले पे जाके थोड़ा सा सैचुरेशन को बढ़ा देना है, फिर यहाँ से अपने फोटो कर लेते हैं डन। डन करने के बाद हम अपने फिर से यहाँ से सैचुरेशन पे जाके थोड़ा सा इसको भी बढ़ा देना है, और यहाँ से मिक्स टूल पे जाके ग्रेडिंग जूम वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ से अपने जूम को हाईलाइट्स कर लेंगे, यहाँ से डन कर लेंगे। डन करने के बाद मैं अपने डन करने के बाद मैं अपने चलो ग्रेडिंग वाले ऑप्शन पे जाके थोड़ा सा कलर मिक्स मिलाते हैं, और लेमलेंस प्लस रखना है लेमिनेंस को। फिर चलेंगे सेकेंड नंबर वाले पे इसको भी इतना रखना है। फिर चलेंगे थर्ड नंबर वाले पे काफ़ी इतना ही रखना है, लेमिनेंस को बढ़ा देना है प्लस इतना ही, और फिर यहाँ से डन कर लेंगे। ओके, डन करने के बाद देख सकते हैं मेरा कुछ हाई क्वालिटी एडिट फोटो हो चुका है। फिर से यहाँ से कर लेंगे सिर्फ वाइब्रेशन को थोड़ा सा बढ़ा देना है +11 की, और सैचुरेशन को +17 कर देना है। फिर यहाँ से कर लेते हैं इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाके टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो घटा देंगे माइनस की, और फिर क्लैरिटी वाले पे भी थोड़ा सा माइनस की और कर देना है, और विग्नेट्स वाले पे थोड़ा सा घटा देना है। ओके, फिर से चलेंगे इस वाले पे प्लस ही रखना है राउंडनेस को, और फिर चलेंगे यहाँ से मैं अपने देख सकते हैं मेरा हाई क्वालिटी एचडी फोटो एडिट हम करके दिखा देते हैं आप। ओके, बिफोर एंड
आप टर देख सकते हैं। लाइट रूम ऐप के अंदर हम कुछ इस प्रकार फोटो बनाए हैं, ओके। और मैं अपने बैकग्राउंड पर लाइट इफेक्ट लाना चाहता हूँ, तो फिर से यहाँ से अपने फोटो को शेयर कर लेते हैं एलडी ऐप के अंदर, ओके। एलडी ऐप के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ, देख सकते हैं। तो फिर से यहाँ से चलेंगे थर्ड नंबर पे लाइट हिट्स वाले पे, फिर से यहाँ से लाएंगे अपने सनलाइट, सनलाइट से जाके थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा लाइट लाना है। फिर चलेंगे फिर से एक प्लस वाले पे जाके फिर से ब्रश लाना है, फिर से प्लस वाले पे क्लिक करके फिर से एक ब्लस क्लिक करना है, ओके। देख सकते हैं मेरे कितना हाई क्वालिटी HD फोटो मैंने करके दिखा दिया आप लोगों को, ओके। बिफोर एंड आफ्टर, ओके। तो फिर यहाँ से अपने फोटो कर लेते हैं डन।